दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आपके शहर में भी कहीं ना कहीं पे दिल्ली पब्लिक स्कूल जरूर ही होगा, और जो गार्जियंस होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में कराएंगे और वहां से उनको अच्छे एजुकेशन मिलेंगे। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, उसके बाद हो सकता है कि जब आप अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल में कराने जाओ तो उससे पहले एक बार तो सोचोगे। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद की। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कि धनबाद का रहने वाला है और धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। उनको बार बार ये प्रश्न आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और जब उन्हें इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को जब कुछ सिखाया जाता है तो वो लोग उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और इसके साथ साथ वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो चीज़ें उनकी लाइफ में इंपैक्ट भी करती है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अब ये जिस लड़के की कहानी है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके जो किताब जो कि उसे दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा दिए गए हैं उसमें बाइबल से कोटेशन दिया हुआ है, कुरान से कोटेशन दिया हुआ है, लेकिन भगवत गीता से कोटेशन क्यों नहीं दिया हुआ है। ये बच्चा जानना चाहता है कि आखिर हमारे अपने धर्म के बारे में क्यों हमें नहीं सिखाया जा रहा है, क्यों हमारे स्कूल को सेकुलर कहने के बाद भी सिर्फ अब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में बताया जा रहा है, हमारे अपने सनातन धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा। जब इस बच्चे को इन सब प्रश्नों के उत्तर कहीं से नहीं मिलते हैं तब वो फिर स्मार्टफोन उठाता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है और इंस्टाग्राम पे विश्व हिंदू परिषद के एक पेज को भेज देता है, इस आशा में कि इस मामले को लोगों के सामने लाया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि आखिर डीपीएस में चल क्या रहा है, इस आशा में कि शायद हो सके कि इसके बाद जो इंटरनेट के ऊपर प्रेशर बनेगा उससे दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो स्टाफ है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और उसको सही करेंगे, इस आशा में कि इस किताब के अंदर जो कंटेंट लिखा गया है उसको अप्रूव करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, जांच बिठाई जाएगी और उससे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर तुमने बाइबल से कोटेशन दिया, कुरान से कोटेशन दिया, लेकिन भगवत गीता से कोटेशन क्यों नहीं दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ने वाली है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की, जो कि आपको एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, और मोतीलाल ओसवाल के साथ ना सिर्फ आप फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बल्कि साथ में वो लोग आपको एक एडवाइजर भी अलॉट करेंगे जो कि आपके टच में रहेगा फॉर एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज। मोतीलाल ओसवाल के पास 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और इनके पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस सर्विस को प्रोवाइड करने का। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ वो फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस चार्ज है वो भी आपको नहीं देना है, और जो ब्रोकरेज फी है वो भी 20 रुपीज पर लॉट है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए टू एंटर द स्टॉक मार्केट विद मोतीलाल ओसवाल ट्रस्टेड एडवाइस। इनके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको रियल टाइम में स्टॉक रिकमेंडेशन के नोटिफिकेशन मिलेंगे वो भी फ्री में। प्लस मोतीलाल ओसवाल के साथ जब अपना आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द वेलकम बास्केट विच इंक्लूड्स AI बेस्ड टूल्स एंड ब्रोकरेज रिवर्सल। और ये काफी फास्ट और सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिनके आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या एक फोन कॉल के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और सिटी सिलेक्ट करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। ये एक छोटा सा बच्चा है, आप सोच कर देखो इसके दिमाग में क्या ही चलता हुआ, इसको दुनिया के बारे में क्या ही नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी इसने स्टेप उठाया। इसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर, कुछ गलत है इसके किताब में, कुछ गड़बड़ है इसको कि दुनिया के सामने लाना जरूरी है। इसने स्मार्टफोन उठाया और इंटरनेट का एक्चुअली में सही इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, वरना इसी की एज के लड़के और लड़कियां कहीं पे कोई रील बना रहा होगा, कहीं पे कोई पबजी खेल रहा होगा, कहीं पे कोई BGMI खेल रहा होगा, लेकिन इस बच्चे ने उन सबसे अलग किया, कदम उठाया, एक स्टेप आगे आया, सोचा कि मेरे ऐसा करने से हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ बदलाव आए, हो सकता है कि इससे आगे बढ़कर कभी इसकी किताब में कुछ और जो आ सकता था उसके ऊपर पाबंदी लग जाए। और इस बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता ही है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया और इस चीज को पब्लिक के सामने लाया। धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो भी स्टाफ है, वहाँ की जो भी कमेटी वगैरह है, उन सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर आपने इस किताब के अंदर ऐसा क्यों किया।